चलिए आप भी नर्वस हो रही हैं। नर्वस आई बहुत सारे प्रिपरेशंस थे और बहुत दिन से हम तैयारियां कर रहे थे शूट के बीच बीच में टाइम निकाल निकाल के सारी चीज़ें तो अभी थोड़े से नर्वस हुए इसलिए है कि इनकी जो फैमिली है वालों की तरफ खड़ी हाँ कि सारे लड़के वाले जो आने वाले हैं उनकी जो क्या उसमें कुछ कमी नहीं होनी चाहिए मेहमान और बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं तो जितने हमारे फ्रेंड्स हैं और हमारे इंडस्ट्री के भी जितने लोग हैं हमारे ओह माय गॉड मिजाज के रहा था नहीं 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 आप क्या आप कुछ अभी जगह मैंने बहुत बंगाली टर्न इन टू राजस्थानी ये लोग एक 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 कितनी लंबी ओके तो लड़की वाले और लड़के वाले हैं भाई हम तो दिल वाले हैं आप कहीं भी डाल कांचा जो है वो कुनाल की तरफ से मैं और पूजा सोर्स सिस्टर्स हैं मैं पूजा की तरफ से सब आजकल मोस्टली मेरे तरफ से इसके घर वाले भी मेरे तरफ से हैं कुछ और होता है तो वो वाली बात है सब मेरे तरफ से आप यू आर राइट यू हैव अ लवली स्माइल एंड दैट्स इट आई थिंक तुम लोग को हमको टिप देनी चाहिए यार तुम लोग इस सारे को नहीं मैंने आपसे आप लोगों से इतने प्लीज जब हम आपकी शादी में आए तो मैं तो पागल हो चुका था आते आते थक चुका हाँ मुझे बहुत सारी चीज़ें याद हैं कुछ कुछ चीज़ें नहीं याद हैं हम तो दूसरे की भी बारात में चले गए थे क्योंकि इनकी बारात ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी हम इनके बारात में एक किसी और की बारात में सो आई थिंक ये एक वजह है जो भी वजह है अच्छी वजह है बुरी वजह है कि ये दिन आ गया है कुछ हमारे दोस्त भी हैं जिन्होंने अपना घर सेट कर लिया था वरना चलो यार कर ही लेते हैं आप यार हाँ जब वो लोग हो सकते हैं तो हम तो हाँ यहाँ पर रख दो प्लीज थैंक यू हाँ ठीक है मैं मेरा हाथ है एक साथ में तो फाइनली द एंगेजमेंट डे हैज कम कितना प्रिपरेशंस लगा इस सब के लिए मुझसे ही पूछो आई थिंक हमें कई महीने लगे सारे तैयारियां मतलब पूरी करने में और बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करनी थी जैसे कि बेसिकली हमको जगह डिसाइड करनी थी और क्लोथ्स डिसाइड करने थे ज्वेलरी डिसाइड करनी थी फूड डिसाइड करना था
सो सब कुछ फाइनली हो गया अच्छी तरह से. और हाँ, बहुत टाइम लगा एक्चुअली, बहुत महीने से हम प्रिपरेशन कर रहे थे. क्योंकि एक्चुअली आज के दिन भी इन्होंने मुझे वेट कराया है, जबकि मुझे इनका वेट नहीं करना चाहिए था, फिर भी मैंने इनका वेट किया आज. देखो बट वेट किया, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है ना. हुआ ना मीठा, आ गया ना मैं, अच्छा लग रहा हूँ ना, और क्या चाहिए तुम्हें, हो गया बस. नहीं, वो हमसे टिप्स लेते हैं, हम बहुत साल से साथ में. और आई थिंक नर्वसनेस भी है, मिक्स फीलिंग है एक्चुअली, एक्साइटमेंट भी है, हैप्पी भी है, और ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट फीलिंग है, क्योंकि ऐसा रियल लाइफ में बहुत बार कर चुके हो, रियल लाइफ में पहली बार कर रहे हैं, तो काफ़ी डिफरेंट फीलिंग है एक्चुअली. नहीं, मुझसे पूछो अगर नर्वसनेस वाली फीलिंग, तो सबसे ज़्यादा मेरे में, क्योंकि मैं 3 दिन से मैं यही सोच रहा हूँ कि यार ये जो चीज़ हो रही है ये क्या सच में हो रही है. तो मैंने मेरे घर वालों से पूछा, तो उन्होंने यही कहा मुझसे कि कल इंडिपेंडेंस डे था हमारा, भारत आज़ाद हुआ था, और आज हमारा ये भारत बंधने जा रहा है. तो मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, दिस इज़ फाइन, आई एम रियली हैप्पी बीइंग विद हर, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन विद हर एंड शी वाज ऑलवेज देयर फॉर मी इन माय बैड टाइम्स माय गुड टाइम्स. सो आई थिंक मिलाने वाला वही है और जुड़ने वाला भी वही है. सो ऑल द क्रेडिट गोज़ टू हिम एंड माय मॉम स्पेशली. सो वी आर, दैट्स ऑल आई कैन से, आई एम वेरी हैप्पी. ओके, ये लुक मैं बता देता हूँ कि ये कुछ हाँ, ये रोहित वर्मा का अटायर है, जो कि मेरे बहुत खास दोस्त हैं और बहुत अच्छे मेरे डिज़ाइनर हैं, और बहुत अच्छा डिज़ाइन किया उन्होंने, बहुत यूनिक लहंगा है, और ये जो हमारा थीम है राजस्थानी, उसके साथ एकदम मैच करता है. थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बिकॉज आई थिंक आपके बेस्ट विशेज है जिसकी वजह से हम इतने साल से साथ में हैं और हमेशा साथ रहेंगे, और ऐसे ही हमें प्यार देते रहना. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस, लव यू. हमारे दोस्त पूजा और कुणाल की इंगेजमेंट है आज, और बड़ा ही बड़ा दिन है इनकी लाइफ में, और ऐसे में हमें आना बिल्कुल था, और बड़ी खुशी हुई कि दोनों बड़े सुंदर लग रहे हैं एज़ यूजुअल. एंड जब हम अक्सर टीवी में ऐसे शूट करते हैं कि शादी है, इंगेजमेंट है, लेकिन जब असल ज़िंदगी में ऐसा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है. एंड जब अपने दोस्तों के साथ हो रहा है तो और भी अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ वी हैव बीन अ पार्ट ऑफ द जर्नी इन लाइफ, एंड ऑल द वेरी बेस्ट. क्या कहूँ, व्हाट शुड आई से नाउ, देयर इज नथिंग मोर लेफ्ट टू से. आई जस्ट वांट टू विश देम हैप्पी जर्नी, हैव अ हैप्पी लाइफ अहेड, एंड सपोर्ट ईच अदर, लव ईच अदर, एंड दैट्स इट, एंड स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव द वे दे आर. लाइक आई रियली लव बोथ ऑफ देम, दे आर वेरी फन लविंग, वेरी एंटरटेनिंग, वेरी लाइवली, and the easiest company anyone can be with. So my only advice or request will be, please never change, either of y'all don't change ever. Okay, aap log ki look ke baare mein, sabse pehle Gaurav se, Virendra ki look ke baare mein, meri daadi choti ho gayi hai aur ab dheere dheere main soch raha hu isko aur kam karta jaun, but my wife likes stubble on me, to main isliye thoda sa rakha hu abhi stubble, and I am wearing a suit, I love wearing suits, and bada कम मौके मिलते हैं असल ज़िंदगी में बॉम्बे जैसे शहर में सूट पहनने के, बिकॉज वेदर इज़ नॉट वेरी फेवरेबल इन दैट सिनेरियो, बट जब ऐसे मौके होते हैं, सो आई रियली लाइक वेयरिंग अ सूट, एंड आई थिंक आई डोंट गो ओवरबोर्ड, आई डोंट ड्रेस अप अप एंड आई डोंट ड्रेस डाउन, सो आई ड्रेस मिनिमलिस्टिक, आई थिंक दैट वर्क्स फॉर मी. मैंने थीम के हिसाब से ट्राई किया, और इंडो वेस्टर्न बन चुका है ये, तो ये स्कर्ट है, इसके ऊपर मैंने नॉर्मल सी चोली पहनी है, दुपट्टा लिया है, बिंदी लिया है, इयर रिंग है, कड़ा है, और खुले बाल रखे हैं, तो मेरा तो बस जो हुआ वो हुआ. अरे वैसे भी खूबसूरत चेहरे को ज़्यादा सजने की ज़रूरत नहीं पड़ती. नहीं, मैं बहुत सजी हूँ. मैं अपनी बात कर रहा हूँ. लास्टली क्या कहना चाहेंगे?
I would just wish them all the best, and it's their day, so live it large and have most fun ever. And bas aap bhi maza lijiye aur luft uthaiye unke is bade din ka. Have fun. Thank you. मैं कुणाल और पूजा दोनों भी मेरे दोस्त हैं. कुणाल के साइड से भी हूँ, पूजा के साइड से थोड़ा सा ज़्यादा हूँ. हालांकि कुणाल तो अपना ब्रो है, ऐसा बॉयज दोस्ती है, बट पूजा से मेरा एक बहुत पुराना कनेक्शन है. वो फिल्मों की हीरोइन भी रह चुकी है, तो उसमें मैं कोरियोग्राफ करता था, तो वो दोस्ती भी है और एक घर वाला भी रिलेशन है. और हमेशा ईद में, बकरीद में वो हमारे घर पर आते हैं, दिवाली में हम उनके घर पर आते हैं, और ऐसे भी हमेशा मिलते हैं. तो वो हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. जब मुझे खबर मिली, कुणाल ने व्हाट्सएप किया, पूजा ने व्हाट्सएप किया, तो मैं हिल गया एकदम. अरे मैं बोला ये क्या बात हो गई, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है. तो बस वही खुशी से आया हूँ, और ऐसा लग रहा है कि आज सब काम छोड़ के आया हूँ. मैं डांस करने तो आज आया नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है ये दोनों के दोनों मुझे बख्शने नहीं वाले आज, तो बजा देंगे, नाच दूंगा, और क्या भी है. मैं यही विशेष इनको दूंगा कि इनकी फैमिली बहुत अच्छी है, माशाल्लाह दोनों की भी फैमिली बहुत अच्छी है. तो जितना प्यार फैमिली के साथ है, वही एक नई फैमिली बनने जा रही है. तो सभी एक मिलजुल कर रहें पूरी लाइफ, और दोस्त की तरह रहें, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह रहें, जैसे वो लोग रहते हैं. तो हस्बैंड वाइफ के साथ साथ एक बेस्ट फ्रेंड भी रहें, ये दुआ रही है. थैंक यू. देखिए खुशी तो दोनों की है. जब एक लोग मंगनी होती है, एंगेजमेंट होती है, या फिर कोई किसी परिणय सूत्र में बनता है, तो फिर वो एक से दो हो जाते हैं. तो जब दो हो जाते हैं, तो दोनों की खुशी के लिए आज यहाँ पे मौजूद हैं, और बहुत अच्छी बात है. और मैं दिल से उन दोनों को विशेष देता हूँ कि वो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहें, और आगे एक दूसरे का हमेशा साथ देते रहें. थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा मुंबई शहर जो है बहुत मेट्रो के काम में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इस वक्त थोड़ी सी गति धीमी है, बट कोई बात नहीं, पहुँच गए. थैंक यू सो मच. नहीं ऐसा कुछ खास, मेरे ख्याल से सोचा कि ऐसे ही चला जाए. दिल से दुआ है कि आप दोनों बहुत खुश रहें, और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय करें. आज मंगनी है, जल्दी से शादी भी होगी, तो बस सट मंगनी फट ब्याह की तैयारी करें. विश यू ऑल द बेस्ट गाइस. विजुअल दे दूं. या डन 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 आज अंदर एक मिनट है ना, थोड़ा सा रितेश आ जाइए धीरे धीरे. वेल मैं पूजा और कुणाल की खुशी में शामिल होने आई हूँ, उनकी सगाई. आई एम रियली हैप्पी फॉर देम. आई विश देम ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड. एंड उनकी सगाई आई थिंक ऑलरेडी हो चुकी है, बट मज़ा तो अभी शुरू होगा. सारे फ्रेंड्स आएंगे, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द पार्टी. अनिता ने कुछ अलग ट्राई किया है? हाँ, यूजुअली आई वेयर ब्लैक्स, आई वेयर डार्कर शेड्स. आई वांटेड टू ट्राई डिफरेंट कलर, तो आई पिक्ड येलो. आई विश देम ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड. कुणाल पूजा, ऑफ कोर्स कुणाल और पूजा दोनों ही हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं. तो हाँ, तो उनकी एंगेजमेंट पार्टी है, बहुत बहुत बड़ा ओकेजन है, बिकॉज आई हैव नोन देम फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दे हैव बीन गोइंग अराउंड फॉर एजेस, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट दे आर गेटिंग एंगेज्ड. थैंक यू. दैट बहुत सिंपल सा सलवार है एंड विद पैंट्स एंड गोल्डन कलर है, सो व्हिच गोज विद द थिंग. सो normal peach color, Indo-Western kind of thing. That's it.
Well, I've worn one of my favorite colors, midnight blue, and this gold blouse. So I felt like wearing something different this time, a sari. I think she's looking very pretty. Oh, thank you. You always do that. So cute. Well, waiting for the wedding bells also. Yeah. Wish them a very, very happy married life. I wish them all the very best, you know. Thank you. बकुल देखो मैं तो यही बोलता हूँ मैंने कहा आपने मुझे देखा है कि दो शादियाँ करके मैं कैसा फंसाऊँ सो ऐसा कोई बकुल की तरह जैसा काम आप बिल्कुल मत करना बट आई रियली विश देम यू नो वेरी वेरी हैप्पी लाइफ अहेड लाइक मैरिड लाइफ अहेड एंड एक स्टेप पड़ाव यू नो अपने रिलेशनशिप में लिया है सो इट्स अ वेरी गुड थिंग नाउ इट इज़ आप देख रहे हो कि बहुत रिलेशन टूट रहे हैं सो आई एम रियली हैप्पी कि कहीं है जो कुछ यू नो कोई रिलेशनशिप यू नो दे टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड सो रियली हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम एंड मे गॉड गिव देम ऑल द पॉसिबल थिंग्स दे वांट इन लाइफ अच्छा हो चुकी है बट क्योंकि मैं अपनी आंखों से ये देख नहीं सकता था नो नो नथिंग लाइक दैट बट आई वाज शूटिंग मैं शूटिंग से भाग भाग के आया हूँ एंड I just wanted to, you know, at least make it because फिर मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं पहुँच ना पाऊँ सो आई एम रियली हैप्पी कि I'm at least here, I'm here. Otherwise, अगर मैं नहीं आता तो मुझे बहुत दुख होता सो मैंने कहा नहीं मैं इतना थका था पूजा माई वाइफ शी इज़ लाइक यू नो आई यू शो यू वांट टू गो आई सेड आई हैव टू गो इट्स कुनाल्स दिस थिंग बिकॉज उसकी तबीयत ठीक नहीं तो शी इज़ चिलिंग शी इज़ एट होम शी इज़ रेस्टिंग टिप्स तो कुछ नहीं भाई आई थिंक दे बोथ आर परफेक्ट कुनाल को यही बोलूँगा दैट चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा ही बोलना दैट पूजा यू आर राइट बिकॉज मैं भी वही करता हूँ कि मेरी वाइफ का नाम भी पूजा ही है ऑल द पूजाज आर राइट ऑलवेज एंड रेस्ट इज ऑल गुड आई थिंक दे बोथ मेक अ गुड कपल ऑल द बेस्ट थैंक यू दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर दे वर शूटिंग तुत्संग प्रीत तो हम साथ में शूट करते हैं एंड आई नो बोथ ऑफ देम सिंस देन सो या आई एम हियर फॉर बोथ ऑफ देम हम कैसे टिप्स दे सकते हैं शादी तो वो कर रहे हैं मेरा लुक कुछ खास नहीं यार आई एम जस्ट वेयरिंग समथिंग एक्सट्रीमली सिंपल सिंपल सलवार सूट है दैट्स अबाउट इट आई विश देम अ वेरी वेरी ब्लेस्ड लाइफ टुगेदर एंड मे दे ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड स्टे टुगेदर Let them get married. शादी पे मैं सारे डायलॉग बोलूँगा. फिलहाल engagement है. That's the thing. Thanks. CVO. कहाँ जी पूछिए? किसकी खुशी में शामिल होना है? पूजा की या कुनाल? मैं तो कुनाल की तरफ से यार. मैं पूजा की तरफ से. क्योंकि पूजा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और बहुत खुश हूँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आप लोग में बहुत गुस्सा भी आ रहा है बाहर क्यों रोक के बैठे अंदर जाने दो ना देखिए हम कैसे पार्टी के चक्कर में सुबह से खाना नहीं खाया पता है तो कितना पेट अंदर हो गया हैं सच्ची मेरी मम्मी कहती है रेड पहन के जा रही है ऐसे लगेगा तेरी इंगेजमेंट है मैं कहा कोई बात नहीं हाँ करेंगे बेटा ये बार बार क्लियर करता रहता होने हाँ पूजा और कुनाल को कहेंगे ऑल द बेस्ट नई लाइफ की शुरुआत हो रही है बस डर लग रहा है हमारी भी बारी आने वाली है इनको लगेगा मुझे क्यों मैं तो खतरों की खिलाड़न हूँ खिलाड़न थैंक यू पूजा एंड कुनाल की एंगेजमेंट है एंड आई एम हियर एंड वेरी हैप्पी वेरी एक्साइटेड एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस दोनों को सो आई ऑलवेज फील हैप्पी जब दो प्रेमी शादी के या प्यार के बंधन में बनते हैं तो सो आपके लुक के बारे में पूछना चाहूँगी इंडो वेस्टर्न लहंगा एंड थोड़ा सा इंडियन रहना था आज के दिन मुझे सो और साइमल्टेनियसली वेस्टर्न भी रहना था थोड़ा सा इसलिए ये पहना है मैंने यही कहूँगी कि कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम आई एम रियली 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 हैप्पी फॉर देम एंड इंशाल्लाह जिंदगी भर दोनों एक दूसरे का साथ दें अदा कैसे Thank you.
a dhoti and so that taki shaadi mein main ghagra pehnu ya saari pehnu, something little more heavier, this is little light, aur taki main comfortable rahu, main thodi der mein thoda sa matlab aaram se ghumu phiru, kyunki dost ka engagement hai, so it cannot be ki main hi zyada decked up hoke idhar aise hi kona pakad ke baith gayi ki main move na kar paun. दूल्हा भी दोस्त है, दुल्हन भी दोस्त है. अभी मैं दूल्हा दुल्हन की तरफ से अलग से पता नहीं क्या बोलूँगी, पर ये बोलूँगी कि दोनों ने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है. 10 साल के बाद जब डिसीजन, तो बहुत सोच समझ के लिया होगा, तो 10 साल के बाद और कोई गलती नहीं हो सकती. अभी सीधा उन लोग शादी करेंगे, और शादी के लिए मैंने अपना लहंगा सेट करके रखा है ऑलरेडी. सो वेस्ट मत होने देना, जल्दी जल्दी शादी करो, क्योंकि बहुत इच्छा है उसको पहनने की. इसलिए आज मैं कुछ अलग पहन के आई हूँ, एंड आई एम वेयरिंग अ सिंपल धोती विद ऑन अ बेज कलर और विद माय न्यूड पम्प्स, एंड जस्ट आई हैव कॉम्प्लीमेंटेड दैट विद अ डार्क लिपस्टिक एंड माय इयररिंग्स. लास्टली क्या विश करना चाहेंगे? लास्टली ये विश करना चाहूँगी कि लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, बिल्कुल फेरी टेल की एंडिंग की तरह. थैंक यू. फिनिश कर लेते हैं. आई एम रियली हैप्पी फॉर देम, मैं बहुत खुश हूँ, एंड मैं यही चाहती हूँ कि बहुत ही जल्द हम सब शादी के लिए भी इकट्ठे हों. दे शुड गेट मैरिड वेरी सून. आई वुड विश द बेस्ट ऑफ द फ्यूचर फॉर बोथ ऑफ देम, कुनाल एंड पूजा, लॉट्स ऑफ लव. मैंने सिंपल सी अनारकली पहनी हुई है, नथिंग मेजर, एंड आई हैव जस्ट टॉस्ड इट विद सम इयररिंग्स एंड रिंग. थैंक यू. नया पड़ा आज फाइनली दे. ये कहना चाहेंगे कि हम बहुत खुश हैं, फाइनली उन्होंने ये डिसीजन लिया एंगेज होने का, एंड बिकॉज वी बीन फ्रेंड्स विद बोथ, लाइक पहले हम कुनाल को जानते थे, बट कुनाल के थ्रू पूजा, और पूजा भी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई, तो हम चाहते थे कि दोनों अब सेटल हो जाएं, और वही हो रहा है, एंड वी आर वेरी हैप्पी. और वही अपनी गुड विशेज के लिए आए हैं, उनको गुड विश देने के लिए, पास ऑन करने के लिए. भाई का भी अभी हुआ है, तो या सब कुछ तो बोले नहीं, कुछ टिप नहीं, किसी की कुछ मत सुनो, जस्ट गो विद द फ्लो, डू व्हाट योर हार्ट सेज. जिनके टिप्स सुनते हैं उनकी ज़िंदगी है, तो छोड़ो, पता नहीं क्या ही होता है, अपनी ख़राब करके बैठ जाते हैं टिप्स. इसलिए जस्ट आई थिंक नो वन नोज पूजा बेटर देन कुनाल, सो इट्स दे हु हैव टू एग्जैक्टली, यू नो, इट्स दे हु हैज़ टू डील विद इट इन फ्यूचर. सो किसी के सुनकर क्या मतलब, टिप तो इट्स भूलने वाले होते हैं, बट और वैसे भी कुनाल ऐसा है ना, जो भी करो, जो भी टिप दोगे कुछ नहीं सुनने वाला, वो अपनी करने वाला है, इसलिए हमने गिव अप कर दिया, हमने कभी टिप नहीं देंगे, जो करना है कर भाई, बाकी हम संभाल लेंगे अगर कुछ होता है तो. लास्टली क्या विश करना चाहेंगे? Just good. We'll wish them good luck for their life, and may they stay happy, yeah, as ever. May they become stronger and stronger, and you know, grow more and more in love. And yeah. It. Thank you. Hi guys. Hi. She is a. लड़का या लड़की किसकी तरफ से आए हैं? अरे दोनों की तरफ से यार, दोनों की तरफ से लड़का लड़की. ये वादे मेरी जान, आओ ये किसी तरह से लड़की. शशांक जल्दी आओ, जल्दी आओ, फटाफट. Everybody, so many people. I'll see you inside. देखो इतने सारे लोग. हाँ मेरे भाई, WhatsApp man, WhatsApp man. ये बड़ा ही पेचीदा सवाल है. कर लेंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे, और ऐसा और ऐसा है
कि जब होगी तो आप लोगों को डेफिनेटली पता चल जाएगा और आपको बता के करेंगे, पूछ के करेंगे क्या हम कर ले। अभी इनकी शादी है ना, उनकी एंगेजमेंट एंजॉय करो। हाँ, एंगेजमेंट का थीम है इंडियन, लेकिन आप दोनों ने हटके कुछ यार हम ना कहीं और यार एक्चुअली हम आज दो तीन चीजें थी। देयर इज अनदर फ्रेंड अपार और रिधिमा, उनकी एक स्क्रीनिंग थी तो वहाँ पर हम लोग इंडियन पहन के जा नहीं सकते थे। और यहाँ पे आना भी जरूरी है, और यहाँ पे आना भी है, और ये भाई की शादी है, सॉरी उसकी सगाई है। मैं कब से मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, उसकी शादी है, शादी है, खैर तो दोनों जगह आना जरूरी था, तो इसलिए हमने सोचा कि ऐसा कुछ पहन के जाएंगे कि दोनों जगह फिट हो सके। हाँ, हम कहाँ से टिप देंगे यार, एंगेजमेंट शादी कुछ नहीं, दोनों ने कैसे सिंक में बोला कि जो शादीशुदा कपल है, आई थिंक आप लोग उनसे पूछे तो बेटर है। हमेशा ऐसे ही साथ रहो, खुश रहो, बहुत मजे से रहते हैं वो लोग और आई एम श्योर आगे भी ऐसे रहेंगे। शरद राघव है मेरा डिजाइनर फ्रेंड, उसने मेरे लिए ड्रेस डिजाइन किया है एंड आई एम लविंग इट। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, यू गाइज लुक सो गुड टुगेदर एंड आई एम रियली रियली हैप्पी।